विधानसभा चुनाव से पहले एक चिट्ठी को लेकर मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इस बीच प्रियंका गांधी की एक ट्वीट को लेकर कुछ दिनों पहले काफी बवाल हुआ था। दरअसल ठेकेदारों के एक संगठन ने जबलपुर हाईकोर्ट में चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि उन्हें 50% कमीशन देने पर पेमेंट मिलता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मामले में ट्वीट कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए थे और कहा था कि राज्य में 50% कमीशन वाली सरकार चल रही है। इस बीच भोपाल पुलिस ने प्रियंका को नोटिस भेज दिए थे। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के आरोपों को झूठा बताया था और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 41 जिलों में FIR दर्ज करवाई थी। इस FIR में प्रियंका गांधी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस नेता अरुण यादव, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और शोभा ओझा के नाम शामिल हैं। मामले को लेकर काफी सियासी बयानबाजियां हुई थी। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि आदमी है नहीं, संस्था फर्जी है और चिट्ठी भी फर्जी है। अब देखो भ्रम कैसे फैलाया जाता है और इसमें जो करना है वो तो हम करेंगे। अभी रणनीति बनाते हैं कि इस नाम का कोई आदमी नहीं, कोई संस्था ही नहीं, सीधे चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो। और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। मित्रों मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं और एटे को सफाई देने कौन जाए कि नहीं तो आदमी नहीं है, ये साफ झूठ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये उनने रणनीति के तहत किया, एक चीज छोड़ दो, एक चिट्ठी कोई टाइप करो और सोशल मीडिया पर डाल दो, टैग कर दो, तो चर्चा तो चले जाएगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा था कि बीजेपी हर जगह यही करती है, सिर्फ लोगों को डराती है। देखो ये बीजेपी सरकार का काम है डराना और हम कहना है लोगों को डरो मत। लेकिन FIR मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस मामले को लेकर क्या कार्रवाई कर रही है इस पर भी संशय बना हुआ है। यहाँ तक कि प्रियंका को जो नोटिस दिया गया है उस पर प्रियंका ने क्या जवाब दिया है इस पर भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कई सूत्र ये भी दावा करते हैं कि कांग्रेस इस मामले को चुनाव में भुनाने की कोशिश कर सकती है। क्या थी प्रियंका की पोस्ट? बता दें कि प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर एक अखबार की खबर को पोस्ट करते हुए लिखा था कि मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने शिकायत की है कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही पेमेंट मिलता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की भ्रष्ट सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी, वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया था, अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल कर देगी।